स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल रूरल इंडिया विद विशाल। तो जब भी हम हेवी लंच करते हैं, जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं, हेवी लंच करने के बाद हमें एक चीज का क्रेविंग होता है, नाम है पान। पान ऐसी चीज है जो शायद ही किसी को पसंद ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था, आज हम देखने आए हैं पान की खेती। पान की खेती कैसी होती है, पान का बेल होता है, पौधा होता है, और पान की खेती करने के लिए एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसको कौन सा खाद चाहिए, पानी कितनी मात्रा में चाहिए, तो ये सब हम देखने के लिए हम आए हैं आज कृष्णा तेलंगरे इनके खेत में। तो ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, आप इंटरेस्टेड रहेंगे। ये वीडियो में बहुत सी चीजें नई रहेंगी। ये खेती जो होती है ये थोड़ी अलग होती है नॉर्मल खेती से, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हम आए हैं पान के बेल के पास। तो आप देख सकते हैं ये है पान का बेल। ओके, आपको फैमिलियर होगा पान, तो ये सारे बेल होते हैं और इसको आप देख सकते हैं ये बाम्बू की लकड़ियों से उसको एक सपोर्ट दिया हुआ है। तो आप इधर भी देख सकते हैं बाकी जगह ये एक शेड नेट है। तो शेड नेट का फायदा ये होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पान को जो है टेम्परेचर कम चाहिए। ये है फॉगर सिस्टम, उसका पर्पज़ ये होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। तो बेसिकली वो पानी स्प्रे करता है, यहाँ पे ड्रिप किया हुआ है, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। तो सो दैट क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है, जो पानी होता है, डायरेक्टली पान के पौधे के पास चला जाता है। बात करते हैं पान का ओरिजिन और उसके फायदे। तो आप अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखेंगे तो समुद्र मंथन जब हुआ था तब ये पान का बेल है या पान है उससे निकला हुआ था। उसके कारण आप देखेंगे कोई भी धार्मिक विधि होता है तो ये पान के पत्ते जो होते हैं उसको बहुत इम्पोर्टेंस है। जब भी हम कलश लगाते हैं उसमें पान चाहिए ही चाहिए। तो ये हुआ धार्मिक या हिंदू आस्था के बारे में। तो दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इस खेती के ओनर है कृष्णा तेलंगरे इनसे। तो आप हमें बताइए यहाँ पे जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया हुआ है उसका फायदा क्या है? ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है इसकी वजह से पानी का वेस्टेज कम होता है और जहाँ पे बेल है उसको ही पानी, यानी कि उसके रूट तक पानी पहुँचता है। ओके, तो अभी मैं और एक चीज देख रहा हूँ, यहाँ पे देसी खाद है, यहाँ पे देसी खाद है। हाँ, देसी खाद ही इसके लिए यूज होता है, ये प्योर ऑर्गेनिक खेती है। ओके, तो दूसरा और चीज यहाँ पे ये बाम्बू दिया हुआ है, बाम्बू के लकड़ियाँ है, उसका बेनिफिट्स क्या है? ये जो बेल है ये बेल 20 फुट तक ऊपर चढ़ता है, इसके आधार के लिए ये बेल है, इसके आधार के लिए ये बाम्बू लगाए गए हैं। ओके, और ये जो शेड नेट क्यों किया है? पहले तो अलग तरह से खेती होती थी, अब वो क्यों नहीं कर रहे? शेड नेट क्यों किया आपने? कूड़ा कचरे से वॉल क्यों नहीं बनाई? शेड नेट के क्रप क्यों हो चुके हैं? शेड नेट करने से एक फ़ायदा ऐसा होता है कि ऊपर से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऊपर से कुछ फॉगर सिस्टम है, छाव की गई है, और दूसरी बात यहाँ पे पांगरा और शेवरी ये दो पेड़ लगाए जाते थे बाम्बू के अलावा आधार देने के लिए। लेकिन उसका क्या होता था कि जो देसी खाद और जो पानी हम देते थे वो पानी वो पांगरा और शेवरी ही एब्जॉर्ब कर लेती थी ये पान के बेल के हिस्से का। ओके, और क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? आपको इनकम कितना होता है या ये फायदेमंद है या आप किसी को ये रेकमेंड करना चाहोगे ये खेती करने के लिए? अभी तो फिलहाल इसका वार्षिक इनकम 50,000 से 2.5 लाख तक है। कितना एरिया है ये? ये 10 घंटा एरिया है। 10 घंटा, हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते 10 घंटा इज वेरी मिनिमल एरिया इस एरिया में, लेकिन उस हिसाब से उसका इनकम अच्छा है। और ये शेड नेट एक बार कर दिया तो बाबा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अगर करना चाहते हो तो शेड नेट, अभी आप देखोगे खेती जो होती है या खेती होती है उसमें क्या होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो सब एडवांस ही यूज़ करना चाहिए कि हम अभी बैक ट्रैक नहीं हो सकते। मतलब दुनिया का एक नियम होता है या जो भी है कि हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते। अभी जैसे हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, अभी हम किसी को बोलेंगे कि जाके नोकिया का मोबाइल यूज़ करो, हम नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही खेती में भी है, अगर खेती में आगे बढ़ना है तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा,
तभी किसान ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो आपको यहाँ मार्केट कहाँ है इसका, मतलब ये कहाँ बेचा जाता है, क्योंकि किसी पान की टपरी में तो इतना उसका खप नहीं होता होगा, राइट? यहाँ से लोकल ही मार्केट है हमारी चिकली में, लेकिन इसके अलावा बुलढाणा, अमरावती, मेकर, नासिक, चांदवड़, यहाँ पे भी इसके पान का खप होता है। ओके, सो ओवरऑल आप देख सकते हैं मार्केट भी अच्छा अवेलेबल है। और एक बात यह है कि ये बहुत से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है ये शेडनेट करना, इतनी सारा मेंटेनेंस करना, ये आसान बात नहीं होती है। इसके लिए आपको पानी भी अच्छा खासा चाहिए, एम्पल अमाउंट में वाटर चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी हमारे दो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ वो चेक कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम और कुछ नई चीज़ जो गोलिना में होती है वो देखेंगे। तब तक बाय दोस्तों।